तेजस्वी यादव का बिहार के सीतामढ़ी में आगमन है और तेजस्वी यादव को देखने के लिए इस कदर भीड़ चढ़ गई कि स्टेज टूट गया। यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा थे और ज्यादातर लोग स्टेज पर बैठे हुए थे और भीड़ इस कदर स्टेज पे चढ़ी कि स्टेज जो है नीचे टूट गया। देखिए जमीन पर स्टेज आ चुका है, ये जमीन पर स्टेज आ चुका है और लोग जो है वो भीड़ हो गई है, ठीक है, लोग जो है उसी हिसाब से जो है यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा, ये स्टेज टूट गया, स्टेज इसलिए टूट गया है काफी भीड़ भाड़ होने के वजह से स्टेज टूट गया है। कमजोर था थोड़ा इसलिए भीड़ इतनी है, भीड़ इतनी है इसके वजह से स्टेज टूटा है। हम लोग बहुत बहुमत से है, बहुत ज्यादा भीड़ इस कदर भीड़ हो गई कि सारे लोग स्टेज पे चढ़ गए और स्टेज जो है डैमेज हो गया। ये काफी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा थे, ये स्टेज टूट गया, भीड़ के वजह टूट गया है, स्टेज भीड़ से टूट गया। कितना कमजोर बनाए थे, कमजोर नहीं था, पब्लिक ज्यादा है, पब्लिक वजह से इतना हुआ है। वैसे एक बात बता दें कि कुछ नुकसान नहीं हुआ, जो जहाँ पर थे वहीं पर गिरे हैं। हम लोग भी स्टेज पे थे तो हम लोग भी जमीन पर आ गए, वैसे किसी को कोई चोट नहीं लगी है। तेजस्वी यादव बस पधारने वाले हैं और तेजस्वी यादव को देखने के लिए यहाँ पर लोग है। गठबंधन इंडिया गठबंधन के जो लोग आए हुए थे वो तमाम लोग यहाँ स्टेज पे चढ़ गए थे और उसका नतीजा ये निकला कि स्टेज जो है जमीन पर आ गया और स्टेज पर खत्म, हाँ हाँ नीचे नीचे स्टेज पर चला गया और हम लोग पीछे की तरफ जा रहे, चुके भीड़ ज्यादा है और भीड़ की वजह से स्टेज जो है डैमेज हुआ। यहाँ पे जो लोग कैसे कमजोर स्टेज बनाए थे, टूट गया क्या हो गया, हम लोग नहीं टूटे हैं, स्टेज टूट गया तो क्या हो गया, हम लोग डिंडा है ना, अभी मोदी के लोग बोलेंगे स्टेज नहीं बचा, टूट गया तो क्या हो गया, भीड़ बनेगा स्टेज पे क्या है, स्टेज टूट गया है, ज्यादा मात्रा में चढ़ गया है, नहीं चढ़ना चाहिए, मजबूत नहीं बना रहे गठबंधन कैसे, ये कार्यकर्ता का गलती है, कार्यकर्ता अच्छा से काम नहीं किया, कार्यकर्ता को चढ़ना चाहिए, जन सलाब हो रहा है सारे आदमी देखो, इसीलिए भारी भारत लकड़ी का जो बना रहता है वो भार नहीं थम सकता है, गिर गया है, उससे कोई फर्क नहीं है, हमारा प्रदेश भी जिंदाबाद रहेगा और आने वाला भविष्य में। मोदी जी के लोग बोलेंगे कि स्टेज नहीं बचा पाए आप लोग, स्टेज नहीं बचा, हमारा देश बचा, हमारा जनता बचेगा, स्टेज फिर बनेगा, ऐसे 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 स्टेज के लिए बढ़िया स्टेज बनाएंगे, बड़ा स्टेज बनाएंगे। 2024 की तैयारियां शुरू हो चुकी है, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े दिग्गज अपने नेताओं को जिताने की तैयारियां में लगे हैं। अभी जो है तेजस्वी यादव सीतामढ़ी आगमन कर रहे, मगर उससे पहले स्टेज पर इस कदर भीड़ बढ़ गई कि स्टेज जो है जमीन पर आ गया, स्टेज जो है नीचे आ गया, यानी स्टेज टूट गया। जो राजद के समर्थक है वो तो कह रहे हैं कि अब जो है मतलब भीड़ इस कदर आ गई, मगर अफसोस ये भी है कि स्टेज इतना कमजोर बना है। शायद मोदी जी के लोग ये सवाल पूछेंगे कि जिनका स्टेज मजबूत नहीं वो सत्ता कैसे चलाएंगे, क्या लग रहा है स्टेज टूट के नीचे गिर गया, अरे स्टेज में टूटा जनता थोड़ी टूटेगा, स्टेज टूट गया जनता थोड़ी टूटेगा, अच्छा खाली स्टेज टूटा है ना, स्टेज टूट गया तो क्या होगा, पब्लिक इतना कंट्रोल नहीं कर पा रहे इसलिए स्टेज टूट गया, अच्छा तो इसी हिसाब से इस बार जनता भी एक अटूट हो चुका है, एकदम जुट हो गया है। अच्छा, आप लोग जो है तेजस्वी यादव को वोट देने आए हैं या सुनने आए, नहीं वोट दिल जान से सपोर्ट कर रहे हैं, खून देने के लिए तैयार है, वोट के बाद कर रहे हैं, खून देने के लिए तैयार है, जी सर, तेजस्वी रिश्तेदार है आपका, रिश्तेदार की बात ना है, जो काम करता है उसी को ना खून दिया जाता है, आप काम कीजिए तो आपको खून दे क्यों नहीं दूंगा। तो ये जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम तो राम मंदिर बनाए हैं, राम को लाए हैं, राम कहाँ नहीं है, वो लाए हैं राम को, राम आज आए हैं, आज राम आए हैं, 5 साल वर्ष पहले राम जी आ गए हैं, आज आए हैं कि 5 साल पहले आ गए हैं, 500 साल पहले राम आ चुके हैं, ये तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको ला रहे हैं, नहीं नहीं गलत बात है, हम तो सभी को राम कहाँ है, राम आ जाने हैं, अच्छा, राम तो क्या ला नाम है चाचा आपका, हमारा नाम हुआ बिल्टू प्रसाद यादव, काहे यहाँ पर आए, हम लोग राजनीतिक से सक्रिय है, राजनीति कर रहा है और हम लोग राजद के जितने नेता उससे मतलब रखते हैं, समझ गए, और नरेंद्र मोदी जी के बारे में हम लोग, नरेंद्र मोदी जी एक ढकोसला का सरकार है,
अयोध्या में राम मंदिर बना देने से क्या पब्लिक का समाधान हो जाएगा? नहीं। कि यहाँ का नौकरी होगा, युवा का नौकरी होगा, कोई रोजी रोटी मिलेगा? गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के झूठ फूस के ढकोसला पीट दिए और आया कुछ नहीं। अच्छा, आदाब भैया, आदाब भैया। अच्छा तो स्टेज तो ये दिए ना आप लोग? ना, हम लोग का जनसंख्या, यह देखिए, यह देखिए कि हमारी नेता के तई कितना प्यार है। मोदी जी से क्या ही लड़िएगा, स्टेज नहीं बचा पा रहे। स्टेज को छोड़िए ना, जनता का समूह देख लीजिए, वोट देखिएगा बक्सा में, स्टेज छोड़िए ना, बक्सा लकड़ी का, वो तो लकड़ी का चीज है, वो तो टूटेगा। हाँ, आ रहे हैं। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।